अब बागवत जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे, वो प्राणायाम ना करे, योग आसन भी ना करे। ध्यान रखिए इस बात को। बागवत जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम, ना तो आसन, ना तो प्राणायाम, उसके लिए है मालिश, रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के। ठीक है, तो मेरी आपको विनती है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए। कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के वो रामदेव जी का चल रहा है, चल तू भी कर, उसके लिए नहीं है ये। व्यायाम, योग, प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली, पित्त वालों को सबसे ज्यादा, कफ वालों को बिल्कुल नहीं। योग, प्राणायाम, आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं, वात वालों को थोड़ा, पित्त वालों को सबसे ज्यादा। यह है सूत्र बागवत जी। तो बच्चों को मत प्रेरित करिए कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी एक्सरसाइज करो। उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये एक्सरसाइज जितनी कम हो उतना अच्छा। मालिश करिए उनकी, भरपूर मालिश करिए।